ओके सो हम बिगिन करते हैं कॉर्न स्टार्च से। 3/4 कप ये कॉर्न स्टार्च इसमें हमने डाल दिया। स्टोव अभी ऑफ है। 3/4 कप शुगर है एंड साथ में ये 1/2 टीस्पून हमारे वनीला एसेंस। अब हम क्या करेंगे कि एक विस्क कर लेंगे और हल्का थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहेंगे इसमें, ताकि इसमें कोई गुठली नहीं पड़े और जैसे लंपी ना हो ये। अब हमारे पास टोटल जो मिल्क है 1 लीटर है, मगर हम पहले इसको अच्छी तरह से मेक श्योर करेंगे कि ये इसमें कोई लंप्स ना रह जाए। ओके सो अब मैं कर रही हूँ स्टोव को ऑन। इससे क्या होगा कि हम लोग इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे और जब आप देखें कि इसमें बबल्स आने लग गए हैं और दूध अच्छी तरह गर्म हो गया, तो आप इसको बिल्कुल मीडियम लो पे करके पकाएंगे। अच्छी तरह से सारा ये मिक्स हो गया है। सो आई जस्ट चेंज माय स्पून्स एंड अब हम इसको यूज़ करेंगे। ओके सो ये दूध अब अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और देखें इसमें दूध में थिकनेस भी आनी हो गई है। सो अभी तक ये हाई हीट पर ही था, अब मैं इसको कर रही हूँ मीडियम टू लो ताकि हम इसको अच्छी तरह से पकाएं। बट जस्ट टू लेट यू नो कि मैंने इसको मुसलसल हिलाती रही हूँ ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ जाएं, यानी लंपी ना हो जाए। सो लुक इट्स गेटिंग थिकर नाउ एंड अब मैंने यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी है और इसको यहीं पे खड़े होके मूव इसको हिलाते रहना है। हम इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इस तरह से पकाएंगे ताकि ये इसका जो पुडिंग है अच्छी तरह से पक जाए एंड इसको फिर हम डिश आउट कर लेंगे। ओके ये मीडियम टू लो हीट पे इस तरह से बन रहा है, हल्के हल्के इसमें बबल्स आ रहे हैं, बट मैं इसको कंटिन्यूसली हिला रही हूँ। ओके ये देखें ये मीडियम टू लो पे इसको बना रही हूँ और इस तरह से इसके बबल्स आते हैं, बट मैं इसको कंटिन्यूसली हिला रही हूँ ताकि बहुत स्मूथ और क्रीमी पुडिंग तैयार हो। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ओके सो चम्मच को स्मूथ करके थोड़ा सा इस तरह से कर लें ताकि बिल्कुल स्मूथ लेयर इसकी इस तरह से हो एंड दैट्स इट। अब हम इसको जमने देंगे और साथ में कैरामेल का सॉस तैयार करेंगे। कैरामेल सॉस के लिए हमें 1 कप मिल्क चाहिए जो हम इसको बाउल में डाल लेते हैं और साथ ही हमें 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च। इस तरह से इसको ऐड करके हमने इसको मिक्स करना है और फिर उसके बना के रख देना है मिक्सचर। लिया है एक फ्राई पैन, ड्राई है, इसमें कुछ नहीं डाला हुआ और इसमें मैंने 1/2 कप शुगर डाल दी है। जो हीट है वो अभी मीडियम से लो है और इसको मैंने इस तरह से स्प्रेड करके शुगर को स्टोव ऑन कर रखा है। सो हमने इसको बिल्कुल लो हीट पे बनाना है ताकि ये अच्छा सा कैरमलाइज हो जाए। एंड एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं कि अगर आपने इसका तेज़ कलर आपको पसंद है कि आपकी टॉपिंग जो टॉप का कलर हो अच्छा तेज़ कलर आए, तो आपने इसको थोड़ा सा ज़्यादा कैरमलाइज करना है। अदरवाइज होगा ये कि जब आप इसमें दूध डालेंगे तो दूध से कलर चेंज हो जाता है और फिर वो कलर बहुत लाइट हो जाएगा। सो इस चॉइस इज़ योर्स देयर। ओके ये देखें शुगर हल्का सा मेल्ट होना शुरू हो गई है। ये इस तरह से हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये बर्न ना हो कहीं से और इक्वली हर जगह से अच्छी तरह से पक जाए, कैरमलाइज हो जाए। ओके सो ये वही मिक्सचर है जिसमें कॉर्न स्टार्च मिला के हमने 1 कप दूध में रख लिया था। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा हिलाऊंगी। ओके अब हम इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। बी वेरी केयरफुल बिकॉज जो कैरमल है बहुत हॉट है और ये बबल अब बहुत जल्दी होगा जैसे हम इसमें ये डालेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक चीज़ और, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे ताकि ये सब डिसॉल्व हो जाए इसके अंदर।
और पक जाए. सो अबाउट 5 मिनट्स. फिर ये लो हीट पर मैं इस तरह इसको कंटिन्यूसली हिला रही हूँ और ये आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है. ओके, जो कैरमलाइज थी वो डिजॉल्व हो चुकी है, ऑलमोस्ट सारी हो चुकी है. थोड़ा सा रह गए बिट्स, वो भी हमारे जब तक ये पकेगा सॉस हो जाएगा. हल्की आंच में बना ही रही हूँ उसको हिलाकर. ऑलराइट, ये हमारा प्यारा कलर का कैरमल सॉस तैयार हो चुका है. एंड देन हम इसको अब हमारे पुडिंग के ऊपर रख देंगे. ओके, सो मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा हर जगह स्प्रेड करूँगी ताकि मुझे ज़्यादा मुश्किल ना हो चारों तरफ डालने में. सो हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा हर जगह डाल देते हैं. सो मैं इसको कर रही हूँ स्प्रेड इवनली मच एज आई कैन एंड हो जाएगा इस तरह से करके. गुड थिंग इज कि जब तक हमारा ये कैरमल बनता रहा है गुड 10 से 12 मिनट लगे हैं इसके अंदर हमें एटलीस्ट, तो ये हमारी जो पुडिंग थी अच्छी तरह से सरल हो गई है. तो हम जब इसमें डाल रहे हैं ये सॉस तो ये नीचे वाली पुडिंग जो है मिक्स नहीं हो रही है इसके ऊपर के साथ, विच इज़ गुड. सो इनफ टाइम होता है, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा वेट नहीं करना पड़ता कि पुडिंग पहले जमे फिर हम सॉस बनाएं. यू डोंट हैव टू डू दैट. ये रेसिपी बहुत सरल थी बनाना और बहुत ही मज़ेदार बनी है. आई रियली होप यू डू गिव दिस रेसिपी अ ट्राई विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली.